राजस्थान इंडिया की सबसे वाइब्रेंट स्टेट। यहाँ आप कभी ना कभी तो ज़रूर आए होंगे, जयपुर का हवा महल देखने या उदयपुर का सिटी पैलेस देखने, रणथंभौर की सफारी करने या चित्तौड़गढ़ का फोर्ट देखने या कुंभलगढ़ की कहानियाँ सुनने। बट आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसी सिटी में जिसका आपने शायद नाम भी ना सुना हो, और ये जगह है बूंदी। वेलकम टू दिस ब्यूटिफुल सिटी बूंदी। सबसे पहले मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी का राउंड देती हूँ। This property is very budget friendly. That cost me only 2000 rupees for my room and with the attached balcony. And the view from this property is spectacular. So guys, इस वीडियो में मैं आपको बूंदी घुमाती हूँ और दो दिन की आइटनरी बताती हूँ अगर आप बूंदी विजिट करना चाहते हैं तो। बूंदी अपनी मिनिएचर पेंटिंग्स और स्टेपवेल के लिए फेमस है। तो सबसे पहले हम स्टेपवेल विजिट कर रहे हैं रानी जी की बाउरी। ये स्टेपवेल पहले वाटर को कंजर्व करने के लिए बनाए थे। लेट मी टेक यू टू सेकेंड पॉइंट इन बूंदी एंड दैट प्लेस इज 84 पिलर्ड सेनेटाफ। ये एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है और इसे 84 खंभों की छतरी भी कहते हैं। ये मॉन्यूमेंट 17th सेंचुरी में बना था इन द मेमोरी ऑफ देवा सिंह, जो कि बूंदी के रूलर थे। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जिसे समर हाउस बोलते हैं बूंदी का, और ये जगह है सुख महल। मैं बूंदी नवंबर मंथ में आई थी, बट दिन में काफी गर्मी थी और यहाँ पे आके मेरा दिल ही नहीं करा क्योंकि इतना अच्छा और इतना ठंडा फील हो रहा था यहाँ पे। यहाँ पे एक गवर्नमेंट म्यूज़ियम भी है जो भी आप विज़िट कर सकते हैं, जिसमें आपको वेपन्स दिखेंगे और कुछ पुराने चीज़ें दिखेंगी। वेल, इस जगह को विज़िट करने के लिए आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक और मैं आपको लेके चलती हूँ बूंदी की फेमस चाय वाले के पास, और ये जगह है कृष्णा चाय। अपने दिन की शुरुआत करते हैं कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह पे जाके। तो मैं सबसे पहली जगह पे आई हूँ और ये जगह है किशार बाग। ये जगह सेनेटाफ्स के लिए ही मानी जाती है और यहाँ पे बहुत सारे राजाओं के सेनेटाफ्स हैं। अब यहाँ इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा यहाँ के गांव भी एक्सप्लोर करते हैं, और मैं आई हूँ थिकरादा विलेज में। ये जगह पोट्री के लिए बहुत मानी जाती है और मैंने सोचा कि थोड़ी से पोट्री क्लासेस यहाँ पे ले ही ली जाए। Let me take you to my last point and this place is Bundi Palace. जब मैं इस जगह की आइटनरी बना रही थी तो मुझे बहुत सारे नाम दिखाई दिए, लाइक बूंदी पैलेस, तारागढ़ फोर्ट, चित्रशाला, फूल महल, बादल महल, हाथी पोल। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, बट बाद में मैंने फाइंड आउट किया कि ये सारी जगहें एक प्रेमिसेस के अंदर आती है और इस जगह को कहते हैं बूंदी पैलेस। वेल, इस पूरी जगह को घूमने के लिए आपको तकरीबन 3 घंटे चाहिए होंगे। और काफी इंटरेस्टिंग बात ये है इस जगह की कि आपको कुछ एरिया काफी खराब कंडीशन में दिखेगा और कुछ एरिया आपको एकदम मेंटेन दिखेगा,
वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ एरिया गवर्नमेंट मेंटेन करती है और कुछ एरिया वहाँ की महाराजा ही मेंटेन करते हैं। अब आपको मैं लेके चलती हूँ इस पैलेस के सबसे ब्यूटीफुल पार्ट पे, और ये जगह है चित्रशाला। वेल, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि बूंदी मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए फेमस है, और आपको यहाँ पे मिनिएचर आर्ट दिखेगा। आई होप मेरी तरह आपको भी काफ़ी मज़ा आता है ऑफ बीट लोकेशंस पे जाने के लिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।